हे अमिगो साइनिंग इन एंड आई होप सब अच्छा चल रहा होगा और उम्मीद है सब अच्छा ही चल रहा हो। वैसे अच्छा सा चलता रहना चाहिए क्योंकि अच्छा चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स इन नोट वन के गेमिंग कंपैरिजन, मतलब थोड़ा सा बैटरी टेस्ट का भी अंदाज़ा मैं बता दूंगा साथ में, और गेमिंग टेस्ट आज होने वाला है। गेम हम जो खेलने वाले हैं वो है BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जो कि अभी अभी पबजी की जगह पे आया है, जो कि एक ठीक ठाक अच्छा गेम है, बिल्कुल पबजी की तरह ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं गेम में। और सच बताऊँ C1 में जब मैं पबजी लाइट खेलता था तो C1 की तो बैटरी की दम निकल जाती थी, मतलब 4 घंटे में पूरा C1 डाउन, 4300 mAh बस 4 घंटे में डाउन पूरी। अब आज हम जिस फ़ोन की बात करने वाले हैं वो है माइक्रोमैक्स इन नोट वन एज ऑलवेज, जो कि अभी अभी हमने लिया और बैटरी इसकी अभी नई है। तो बैटरी नई होने की वजह से पता करके देखते हैं कि ये फ़ोन कितना कैपेबल है और कितनी बैटरी इसकी चलती है। देखो अभी इस टाइम पे सबसे बेस्ट बैटरी चलेगी, अगर ये फ़ोन 1 महीने बाद भी अगर मैं शूट करता तो फिर भी इसकी बैटरी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता, लेकिन अभी जस्ट फ़ोन को 8 दिन हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें गेम कितने FPS पर और कितने ग्राफिक्स पर कितने FPS पर चल सकते हैं। देखो मैं तो इतना गेम नहीं खेलता और ना ही मेरे से इतना अच्छा खेलने आता है, पहले मैं खेलता था लेकिन स्किल्स मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं अपने भाई को खिलाने वाला हूँ और वो सच में बहुत अच्छा खेलता है, अराउंड 4 फिंगर से वो बहुत अच्छा गेम खेलता है। तो इधर आ जल्दी। तो देखो ये खेलने वाला है, ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरे से बहुत अच्छा खेलता है, तो ये आज खेलने वाला है। इसका भी एक चैनल रोलेक्स OP कुछ करके है, मेरे को नहीं पता, शायद रोलेक्स OP है, तो जाके अगर आप चाहो तो थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इसकी स्किल्स देखनी है तो आप उसके चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ये गेम ये खेलने वाला है आज और देखते हैं कि कैसा खेलता है, अराउंड 1 घंटे के टाइम में ये देखेंगे। और इस सैमसंग के बीस्ट पे हम लगाने वाले हैं टाइमर। अब बीस्ट मैंने ये इस वजह से बोला क्योंकि ये फ़ोन 11 साल से ज़बरदस्त टिका हुआ है बिना कोई दिक्कत के, तो ये बीस्ट ही है मेरे लिए। तो ठीक है, फिर मैं सेटअप करता हूँ और ये गेम खेलेगा 1 घंटे तक कंटिन्यूस, आप देखते हैं कितनी बैटरी ड्रेन होती है और कितने FPS पे गेम बिना दिक्कत के चल पाता है और फ़ोन भी कितना हीट होता है, ये सब जानकारी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो देखो अब ये खेलने शुरू करने वाला, पहले तो ग्राफिक्स दिखा दे, ग्राफिक्स देख लो, स्मूथ एक्सट्रीम ये इस वजह से क्योंकि इस पर कन्फिग लगी हुई है। कन्फिग लगाना अगर आप नहीं जानते तो इसका ट्यूटोरियल आप प्रिंस के चैनल पे ही देख सकते हैं, वो 2-3 दिन में अपलोड कर देगा, तो कन्फिग लगाना तो मेरे को नहीं पता। तो ये फ़ोन है मेरा दूसरा सैमसंग का बीस्ट और इसमें मैं टाइमर सेट करता हूँ। तो देखो अब इसमें मैं टाइमर सेट करने वाला हूँ अराउंड 60 मिनट्स का, 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट बाद ये अपने आप बच जाएगा और स्टार्ट कर दे। चल तू अपना गेम स्टार्ट कर, ये मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे और 1 घंटे बाद देखते हैं कि कैसा फ़ोन हीट वीट करता है या फिर कुछ दिक्कत। देखो हीट वाले का मेरा सेंसर तो नहीं है लेकिन हम अंदाजे से बता सकते हैं कि फ़ोन हीट हुआ कि नहीं, क्योंकि फ़र्क तो पता चल ही जाता ना, और इसने ये 6i पे खेलता है अभी तो ये फ़र्क भी बता देगा कि 6i से कुछ फ़र्क है, फ़ोन सही चल रहा है या फिर बेकार चल रहा है, ये पूरी तरह से बता। अभी मेरे को लगता है कितना टाइम बचा है मैं चेक करता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं थोड़ा काम में लग गया था और इनको ऐसे छोड़ दिया था। अराउंड 11 मिनट बची हैं अभी, और 11 मिनट बची हैं साथ में अभी। अभी कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब कैसा फ़ोन गरम गरम हो रहा है क्या, कितना, मतलब 6i भी इतना गर्म होता है या ज़्यादा, 6i से कम गर्म है। अच्छा वो अभी खैर 6i को अभी 1 साल हो चुका है तो मे बी उसका गर्म होना ठीक है, लेकिन इस फ़ोन में भी थोड़े से हीटिंग इश्यूज। देखो गेम है भाई, गेम के ऊपर छोटा प्रोसेसर है, हीट करेगा। हाँ तो थोड़ा सा गर्म होना बनता है क्योंकि गर्म हो ही जाता है यार, छोटा प्रोसेसर है, फ़ोन गर्म होगा डेफिनेटली। तो थोड़ा सा वैसे आगे से गर्म होने पे ज़्यादा मालूम पड़ रहा है या पीछे से, तो क्या लगता है मतलब आगे से गर्म हो रहा है या पीछे से ज़्यादा गर्म हो रहा है, पीछे से। हाँ तो बैक साइड फ़ोन का बैक पैनल गर्म होना शुरू हो गया है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ़ोन थोड़ा सा गर्म होगा डेफिनेटली, गेम है भाई गेम के ऊपर। और अभी बैटरी चेक कर, अराउंड कितनी देर हो चुकी है, कुछ 50 मिनट्स हो चुके हैं, 8 कुछ 9 मिनट के आसपास बचे हैं,
तो अभी बैटरी बता। हाँ तो मतलब अभी अराउंड कुछ 8 मिनट हो चुकी हैं, और 8 मिनट में अभी बैटरी चेक करके बताइए, तब 34% के आसपास कुछ थी। 18 बैटरी दिखाना, 18 अराउंड 18% बैटरी अब भी बची है। तो बैटरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तब 34% थी और अभी 34 की आधी 18 दूनी 36, हाँ कुछ 18 कुछ 16% बैटरी अभी तक जा चुकी है। तो वैसे देखा जाए तो बैटरी सच में बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ऐसी बैटरी आई डोंट थिंक कोई और फ़ोन ऑफर करता है इस प्राइस में, कोई नहीं करता भाई अभी तक तो नहीं करता। लेकिन 11.5 की प्राइस से प्राइस में ये फ़ोन आई कांट रिकमेंड, थोड़ा सा रिकमेंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी मैंने एग्जैक्टली तो नहीं बताई हैं कि मैं किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। वो दो वीडियोज़ में मैंने वो प्रॉब्लम्स नहीं बताई जो मैं एक्चुअली बताना चाहता था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उसी की बनाऊँ, जो कि शायद आप अगर माइक्रोमैक्स एन नोट 1 लो तो आपको भी डेफिनेटली फील होने वाली हैं वो चीज़ें। तो अभी कितना टाइम बचा है, कुछ 5 मिनट्स, कुछ 7 मिनट 2 सेकंड बची हैं। तो अभी देखते हैं, अब 7 मिनट बाद ही मिलते हैं कि क्या बचता है, कि फ़ोन का क्या हाल होता है, देखते हैं पूरा 1 घंटे बाद कैसी कंडीशन रहती है माइक्रोमैक्स एन नोट 1 की। तो अभी ये पार्ट में थोड़ा रियलमी C1 से शूट कर रहा हूँ, तो रियलमी C1 से शूट करने में शायद थोड़ी क्वालिटी लॉस आपको फील हो, बहुत कम क्वालिटी इस फ़ोन के कैमरे से फील हो, वो सही बात है भाई, क्योंकि दूसरा फ़ोन अभी बिजी है और यही फ़ोन आखिरी बचा जिससे मैं शूट कर सकता हूँ। दूसरा फ़ोन ये था जो कि अभी यहाँ पबजी गेमिंग टेस्ट में लगा हुआ है। तो अराउंड अभी कुछ 1.5 मिनट के आसपास 1 मिनट बची है, और 1 मिनट में अभी कितने मैच खेल चुका हुआ तू? एक मैच, एक TDM और दो वॉर ईयरफोन के साथ खेले हैं। तो कुछ एक भाई में से बोल रहा था कि ईयरफोन के साथ और बिना ईयरफोन के एक बार चेक करके बताओ। देखो भाई, आधा मैच कुछ खेला है बिना ईयरफोन के और आधा मैच खेला है ईयरफोन के साथ, और दोनों ईयरफोन के साथ। वॉर जो दो खेले, 7-7 मिनट के वॉर होते हैं, मिनिमम 10 मिनट का एक वॉर होता है, तो दो वॉर खेले हैं, वो 20 मिनट 20 मिनट के आसपास वॉर खेला है। तो मतलब 20 मिनट के आसपास बिना फ़ोन के स्पीकर पे खेला पूरी तरह से, और फिर बाद में ईयरफोन कनेक्ट कर लिया था, अराउंड 40 मिनट बची थी तभी। तो अभी स्टेटस बताता है वो, छब्बीस मिनट। तो अराउंड कितने मिनट तूने बिना ईयरफोन के खेला वो? 26 और 10 मिनट 8 घंटे 36 मिनट कुछ बिना ईयरफोन के, और बाकी का मैच ईयरफोन के साथ। तो ठीक है, अब आप शायद मेरे को शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग टेस्ट में, और बैटरी ड्रेन टेस्ट भी का भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा। वैसे अब यार इसका सच में बैटरी ड्रेन करना बहुत मुश्किल है अराउंड कंटिन्यूस 8 घंटे के साथ। देखो अभी टाइम ओवर भी हो चुका है और फ़ोन अब रख दो, ठीक है? तो अंदाज़ा पूरी तरह से लग ही चुका है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं तो डिसलाइक मारो। आप ऐसे ही और टेस्ट भी चाहते हो माइक्रोमैक्स इन नोट वन के ऊपर, सॉरी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मैं दोबारा फ़ोन खरीद पाऊँ। सो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की मत बोलना, बाकी ऐसे छोटे मोटे टेस्ट जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं वो मेरे को बता सकते हैं, और मैं उन्हें ट्राई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेमी को साइनिंग आउट।